हाय तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंटरफेरेंस के बारे में जो कि हमने लास्ट कुछ लास्ट वाले वीडियो में हमने पांच प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया था उस उन प्रॉपर्टीज़ में एक था रिफ्लेक्शन एक था रिफ्रैक्शन एक था इंटरफेयरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तो इस लेक्चर में हम वाई डी वाला टॉपिक नहीं कवर करेंगे रैदर हम इसमें कवर करने वाली जो चीज़ है वो रहेगी हमारी बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं वाई डी आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बड़ा टॉपिक है नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो सबसे पहले हमें इंटरफेरेंस का बेसिक जानना जरूरी है ठीक है तो पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस राइट right? तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है सुपर पोजिशन ठीक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स ठीक है कितनी भी वेव्स हो सकती हैं तो जब दो वेव एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, तो वो होता है इंटरफेरेंस ठीक है अब इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं अगर बात करें तो इंटरफेरेंस कितने टाइप के होते हैं दो टाइप के एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव ठीक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ठीक है और इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो साउंड वेव जैसे ही अगर आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा अपना अलेवेंथ स्टैंडर्ड में तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे वही सेम लगेंगे उस टाइम उस टाइम क्या है बेसिक बताया जाता था इन इसमें हम उसी को वेव के जो हमारी लाइट है जो वेव नेचर शो कर रही है अकॉर्डिंग टू हाईजेंस वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है ठीक है तो हम यहाँ पे दो तरीके के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं तो सबसे पहली बात ये है व्हाट इज़ द कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द इंटरफेरेंस ठीक है आपसे पूछी जाए कि भाई दो वेव हैं वो इंटरफेयर करें एक दूसरे पर उसकी कंडीशन क्या है तो मैं आप मान लीजिए मेरे पास एक बल्ब है एस और एक बल्ब है एस टू ठीक है और यहाँ पे एक पी पॉइंट है ठीक है अब होगा क्या अगर मैं इसको एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ दोनों को ठीक है तो यहाँ से एक वेव निकल के गई और यहाँ से एक वेव निकल के गई ठीक है तो अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ मैं जो भी वेव होती है जैसे मैंने आपके, एक आपके लिए वेव बनाई हुई है तो इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको हम ट्रफ बोलते हैं ये आपने बचपन में नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट क्रेस्ट और क्रेस्ट ओवरलैप कर जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा करेक्ट और अगर क्रेस्ट के साथ ट्रफ हो जाए ओवरलैप ठीक है तो ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा मतलब वहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की लाइट नहीं मिलेगी कोई भी लाइट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी ठीक है वहाँ पे आपको अंधेरा मिलेगा ठीक है तो ये जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपको वाई डी एस सी पढ़ना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है तो अगर मैं कंडीशन के बारे में बात करूँ तो इंटरफेरेंस की कंडीशन ये है कि जो आपके सोर्सेज होने चाहिए सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है कोहेरेंट का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लैमडा ये तीनों चीज़ सेम होनी चाहिए ठीक है मतलब फ्रीक्वेंसी तो मस्ट है कि सेम होना ही चाहिए अगर नहीं है तो फिर आप, वो, आप उसको कोहेरेंट नहीं बोल सकते इंटरफेरेंस का फेनोमेना शो नहीं होगा ठीक है अब कोहेरेंट एक वर्ड बहुत मतलब बोलना जो होता है मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोहेरेंट कोई दो बल्ब होते हैं बट इसके चांसेस बहुत कम है एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप एक बल्ब लेके आए फिलिप्स का ठीक है आप सेम मॉडल का थर्टी वॉट का बल्ब लेके आए और दोनों को जलाया तो हुआ क्या कि आपको वहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न नज़र नहीं आया रीज़न क्या हमारे जैसे हमारे कमरे अगर हमारा कमरा थोड़ा सा बड़ा हो तो हम एक ही मॉडल के दो तीन अगर बल्ब भी लगा दें तो उन दोनों बल्ब को आप कोहेरेंट नहीं बोल सकते उसका रीज़न है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान देर अ चांस कि कुछ माइनर डिफेक्ट या डिफेक्ट तो नहीं बोलेंगे कुछ अलग अलग हो सकता है जिसकी वजह से वो एकदम एक्यूरेटली कोहेरेंट uh, ना हो ठीक है तो कोहेरेंट होना ज़रूरी है अगर सोर्सेज आपके कोहेरेंट नहीं है तो डेफिनेटली इंटरफेरेंस नहीं होगा ठीक है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड और लैमडा सेम होना चाहिए ठीक है और जो नहीं होते हैं उन्हें इनकोरेंट या नॉन कोहेरेंट बोलते हैं इसका दूसरा क्या हो जाएगा नॉन कोहेरेंट ठीक है या फिर आप इसको इनकोहेरेंट भी बोल सकते हो मतलब कोहेरेंट नहीं है तो ये अगर होंगे तो इंटरफेरेंस नॉट पॉसिबल तो क्या लिखेंगे इंटरफेरेंस नॉट पॉसिबल ठीक है तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गई तो सबसे पहले अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वापस से अगर हम देखें इंटरफेरेंस क्या होता है जब एक दो वेव या दो से ज़्यादा वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर जाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव राइट कंस्ट्रक्टिव कब होता है जब क्रेस्ट और क्रेस्ट हो क्रेस्ट और ट्रफ हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला है मैंने कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस क्या होता है कि आपके जो सोर्सेज हैं वो क्या होने चाहिए कोहेरेंट होने चाहिए कोहेरेंट का मतलब क्या होता है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड लैमडा तीनों सेम होने चाहिए कुछ किताबों में लिखा है कि एम्पलीट्यूड सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते वो भी सही बात है लेकिन हमारे अभी हम समझने के लिए हम एकदम इसको दिमाग में बिठा ले कि तीनों चीज़ सेम होंगी हम कोहेरेंट उसको बोल देंगे ठीक है आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सोर्स कोहेरेंट हैं कि नहीं है तो भैया वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको उसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन में दिया ही जाएगा ठीक है तो ये बात हो गई हमारी राइट अब हम बात करते हैं अगर दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती है मान लो मेरे पास दो वेव हैं सिंपलिसिटी के लिए आई हैव टू वेव्स ठीक है से वाई वन एंड वाई टू है ना दो वेव्स लिए मैंने तो अगर ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगी तो नेट जो आएगा दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द वेव्स है ना इन दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा इनकी क्वेश्चन को डायरेक्टली तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट वेव का ये आ जाएगी आपकी रिजल्टेंट वेव इक्वेशन है ना तो अगर आपको y1 और y2 पता है तो आप दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए आपको क्या मिल जाएगा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन आपको बहुत आसानी से यहां पे मिल जाएगा ठीक है अब एक बात समझिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूँ कि क्या सिचुएशन है ठीक है मान लीजिए मैंने दो वेव ली हुई है ठीक है दो सोर्सेज लिए हुए एस और एस है ना ठीक है एस और ये टू ठीक है और पॉइंट पी है मान लेता हूं कि इसको स्मॉल डी ले लेते हैं और एकदम मिड पे ये पॉइंट पी है तो आप देख सकते हैं यहां से वेव एस वन से ऐसी गई और मान लेते हैं दूसरी वेव एस टू से ऐसे गई ठीक है तो देखिए आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि सिमेट्री की वजह से बोथ वेव विल रीच द पॉइंट पी एट द सेम टाइम ठीक है तो अगर दोनों सेम टाइम पे वो वेव वहाँ पे पहुँचती हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं इसका पाथ डिफरेंस जीरो है क्या है पाथ डिफरेंस जीरो है अब पाथ डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है तो पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होता है जैसे एक वेव पहले पहुँच गई दूसरी वेव उसके पीछे पहुँच गई ठीक है या आप गाड़ी से जा रहे हो तो एक गाड़ी आगे है एक गाड़ी पीछे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा तो आप उसको क्या बोलोगे इतने पीछे है ये गाड़ी मेरे ठीक है वैसी वेव के केस में हम अगर ये बोलेंगे कि एक वेव आगे चल रही है और एक वेव पीछे चल रही है तो उनके बीच में अगर आप डिस्टेंस के टर्म्स में दूरी बताएंगे तो वो होता है उसका पाथ डिफरेंस तो दो वेव अगर मैं आपसे बोलता हूँ जैसे कॉस थीटा और साइन थीटा है ठीक है आपको पता है साइन थीटा जीरो पे जीरो होता है आपको ये भी पता है कॉस थीटा जीरो पे वन होता है तो ये दो वेव को अगर मैं सुपर इंपोज कर दूंगा तो आप ये बोलोगे यार साहब ऐसा है कि किस थीटा और साइन थीटा साथ में तो चल नहीं रहे हैं। तो इनके बीच में दूरी है वो दूरी क्या है वो आप तीन भाषाओं में बता सकते हो तीन टर्म्स में बता सकते हो पहला होता है पाथ डिफरेंस मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस दूसरा टाइम के टर्म्स में भी बता सकते हो जिसे बोलते हैं टाइम डिफरेंस और जो तीसरा होता है वो आप एंगल के टर्म्स में बता सकते हो जिसे बोलते हैं फेज डिफरेंस जो आपने एस में पढ़ा होगा ठीक है और उनके बीच में रिलेशन हम यहाँ पे देखेंगे अभी राइट तो यहाँ पे आपने ये कंडीशन पहली वाली कंडीशन में देखा कि एस वन पी और एस टू पी दोनों एकदम वेव एकदम सेम टाइम पे पी पॉइंट पे पहुँच रही है लेकिन अगर मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए ये एस वन ये एस टू और आपका जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे होता तो क्या होता तो आपकी जो एस वन पी है वो देखो वो ऐसे ट्रेवल करती और जो आपकी एस टू पी है अब आप देख सकते हैं जो S2 से निकलने वाली वेव P पे पहुंचेगी वो क्या है वो लेट पहुंचेगी क्योंकि देखो तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है आप देख सकते हैं ये X1 वन डिस्टेंस है ठीक है और आप देख सकते हैं ये X2 टू डिस्टेंस है करेक्ट तो आप देख सकते हैं X1 जो है यहाँ पे X2 से बड़ा है X1 वन इज़ ग्रेटर देन एक्स तो ऑब्वियसली एस बाद में पहुँचेगी वेव और एस पहले पहुँचेगी ठीक है तो अब आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि कितना कि एक्स वन X2 से कितना बड़ा है या कितना ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस मतलब द डिफरेंस बिटवीन अगर मैं इसको डेल्टा एक्स से डिनोट करता हूँ तो इट इज नथिंग बट एक्स वन माइनस एक्स टू तो इसको बनाने का तरीका क्या है आपको करना यह है एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो ऐसा अब ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका पाथ डिफरेंस होने वाला है डेल्टा एक्स मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस एक्स्ट्रा एस टू को चलना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एस वन ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो आप पहले ये चेक कर लीजिए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ठीक है तो फिर जो छोटा वाला होगा उसे परपेंडिकुलर डाल देना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ये वाला S1 सी, ये वाला इसको A ले लो तो X, S2 A जो रहेगा वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस उस वेव ने ट्रैवल किया है ठीक है तो यहां पे मैंने आपको तीन टर्म्स के बारे में बताया था सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया था अभी हम रिलेशन ही देख लेते हैं डायरेक्टली रिलेशन बिटवीन फेस डिफरेंस पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस ठीक है इन तीनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं तो अगर मैं एक वेव ड्रॉ करता हूँ आपके लिए एक वेव ऐसी है ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप एंगल के टर्म्स में बताएंगे इसको तो ये जीरो हो जाएगा ये टू पाई हो जाएगा अगर टाइम के टर्म्स में इसको लिखेंगे तो यहाँ जीरो टाइम है यहाँ पे कैपिटल टी जो टाइम पीरियड होता है अगर आप इसको लेंथ के टर्म्स में बताना चाहेंगे तो लेंथ के टर्म्स में बताएंगे तो ये आपका हो जाएगा ये ज़ीरो हो जाएगा और ये लैमडा हो जाएगा ठीक है तो आप देखिए ये आपने डिस्टेंस के एस्पेक्ट में बताया ठीक है थीके? ये आपने एंगल uh, के टर्म्स में बताया और ये आपने टाइम के टर्म्स में बताया ठीक है थीके? तो आइए इनको रिलेट करते हैं तो इनका जो रेशियो रहता है बेसिकली वो सेम रहता है मतलब डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लैमडा अब डेल्टा एक्स क्या है आपका पाथ डिफरेंस ठीक है और लैमडा क्या आपका वेवलेंथ इसका जो रेशियो रहेगा वो डेल्टा टी बाय कैपिटल टी के बराबर रहेगा अब डेल्टा टी क्या है टाइम डिफरेंस अपॉन टी दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा पाई अपॉन टू पाई क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू टू पाई है तो ये आपका फेज डिफरेंस हो गया ये क्या हो गया आपका फेज डिफरेंस और ये आपका टोटल एंगल टू पाई तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं जब जो जरूरत पड़े उन तीनों को में से दो को लेके इक्वेट कर सकते हैं आपका काम बन जाएगा तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे देखा है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन राइट तो यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस करी है अब हम बात करें अगर ठीक है ये हमने बात कर ली कि बेसिक बेसिक की इतना ज़्यादा डिफ पाथ डिफरेंस जरूरी है क्योंकि मैंने आपको इसलिए बताया कि पाथ डिफरेंस पहले पता होना चाहिए तभी आप फेस डिफरेंस पे पहुँचोगे फिर आप बता पाओगे कि इंटरफेरेंस कैसा है ठीक है आगे की अगर हम बात करें कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है ये कैसे पता चलेगा तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे मैथमेटिक्स करेंगे ठीक है वो मैथमेटिक्स समझना ज़रूरी है ठीक है तो आइए उसकी मैथमेटिक्स हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपके लिए दो सोर्स लेता हूँ ठीक है अब हम मान लेते हैं कि आ, मेरे पास दो वेव्स हैं ठीक है थीके? बेसिक से बहुत बेसिक से समझाता हूँ मान लीजिए मेरे पास दो वेव हैं ठीक है थीके? और मान लेते हैं कि वो पहली वेव है ए साइन ओमेगा टी देखिए आपकी बेसिक उसके लिए बता रहा हूँ कि कभी कभार बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है तो चल जाएगा आप उसको भी कोहेरेंट बोल सकते हैं ठीक है बट वो हमारा लिमिटेड केस हो जाता है लेकिन हमारे बेसिक केस में हम ये मानते हैं कि एम्पलीट्यूड भी सेम हो जाए है ना वाई टू को मैंने मान लीजिए लिख दिया ए टू साइन ओमेगा टी अब आप देख सकते हैं कि ओमेगा दोनों का सेम है भाई ओमेगा सेम है तो ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ होता है तो एफ भी सेम होगा तो चाहे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल लो चाहे फ्रीक्वेंसी बोल लो बात एक ही है तो अगर वाई रिजल्टेंट लिखेंगे तो कितना हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू तो आप देख सकते हैं ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी राइट तो साइन ओमेगा टी आप कॉमन ले सकते हैं ए वन प्लस ए टू तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल है आपने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं है आपको वाई निकालने में दिक्कत पता कब आती है जब एक साइन का फंक्शन हो और एक कॉज का फंक्शन हो ठीक है अब आपने बचपन में अगर थोड़ा बहुत अल्जेबरा पढ़ा होगा तो उसमें आप 3x एक्स प्लस थ्री एक्स बोल देते थे कि भाई ठीक है 3x और 3x को अगर हम जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा लेकिन वही चीज अगर आपको बोलता मैं 3x एक्स प्लस 3Y, तो आप उसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते थे आप उसको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ता था तो यहाँ पर भी वही दिक्कत आने वाली है जो हम आगे डील करने वाले अब यहाँ पर आप मान लीजिए ए वन इजिक्वल टू अगर हम ऐसा मान लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा तो आप टू ए साइन ओमेगा लिख सकते हैं ठीक है अभी आपकी बेसिक इक्वेशन हो गई है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आगे वाली चीज है ये आपका एम्पलीट्यूड रहने वाला है ठीक है और साइन ओमेगा टी से पता क्या चल रहा है कि इसका जो फंक्शन आएगा वो एक साइन का फंक्शन आएगा ये साइनोसोइडल है ठीक है और साइन के बारे में बहुत सारी चीजें इसलिए पता है राइट इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर रिजल्टेंट तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहां पे आप देख सकते हैं टू ए है हमारा रिजल्टेंट एम्प्लीटूड तो इंटेंसिटी आपका कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर है ना क्योंकि टू का स्क्वायर जो फोर हो जाएगा वो भी कॉन्सटेंट वैल्यू है तो आप प्रपोशनलिटी में उसको हटा सकते हैं ठीक है तो जो आपका रिजल्टेंट रहेगा यहाँ पर अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के या एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है स्क्वायर के तो अगर आप रिजल्टेंट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड टू है तो उसका जो वैल्यू हो जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी फोर टाइम्स आई नॉट मतलब चार गुना क्योंकि टू ए का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा जैसे आप यहां पे वैल्यू डालेंगे तो कितना आ रहा है फोर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटेंसिटी के प्रपोर्शनल है तो आप देखिए यहां पे आपको इंटेंसिटी आई नॉट हम ले सकते हैं करेक्ट अब इस दौरान जो मैंने ये वाला केस लिया है इस दौरान आपका डेल्टा एक जीरो हो जाएगा तो आपका देखिए डेल्टा फाइव ही क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अगर आप इक्वेट करते हैं तो है ना लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है कि आपका आ, डेल्टा एक्स ज़ीरो हो जाए तो एक्चुअली मैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डेल्टा एक्स से ऐसा क्या फ़र्क पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपको पता चल जाए ठीक है जैसे अब हम एक बेसिक सा केस लेते हैं मान लीजिए मेरा एस है और ये मेरा एस है और ये पॉइंट मेरा पी है अब आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने एक वेव ऐसी पहुँचा दी करेक्ट और दूसरी वेव आप चाहें तो ऐसी पहुँचा दीजिए ठीक है अच्छा एक चीज़ समझिए ये जो वेव होती है ये पूरा डिस्टेंस होता है लेमडा मतलब जितनी पूरी वेव कंप्लीट करेगी वो होता है लेमडा है ना तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर मान लेता हूँ मैं अभी ये जो वैल्यू है मैं आर्बिट्री ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए ठीक है मान लीजिए एस वन पी मैंने ले लिया आपका सिक्स लेमडा और एस टू पी ले लिया मैंने आपका सेवन लेमडा ठीक है दो, दोनों इंटीजर हैं राइट तो अगर आप पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स हो जाएगा अभी मैंने बताया था जो कि क्या होता है मेरा एस टू पी माइनस एस वन पी तो आप देखिए लैमडा आ रहा है तुम बोलोगे कि सिक्स लैमडा सेवन लैमडा क्यों लिया सिक्स लैमडा एट लैमडा भी ले सकते हो मैं आपको बोल रहा हूँ आप इंटीजर वैल्यू कोई भी ले सकते हो आपको लगे तो सिक्स सेवन ले लो सिक्स एट ले लो सिक्स नाइन ले लो सिक्स टेन ले लो लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो लैमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में ही आएगी समझ रहे हो यहाँ पे तो लैमडा आई अगर आप

कि मेरा जो एस टू से निकलने वाली वेव है वो पीछे रहेगी पीछे मतलब लेट पहुंचेगी मतलब माइनस ही करना पड़ेगा कुछ माइनस कुछ करना पड़ेगा है ना तो अगर आपको डेल्टा एक्स पता है तो आप डेल्टा फाइव निकाल सकते हो इस इक्वेशन से ये देखो ये वाली इक्वेशन से क्योंकि देखो आप साइन के टर्म्स में लिख रहे हो तो आपको डेल्टा फाइव पता होना चाहिए राइट तो डेल्टा एक्स लैम्डा यहां छोटा सा कैलकुलेशन कर देता हूं मैं आपके लिए डेल्टा फाइव बाय टू पाई है ना तो आप देख सकते हो डेल्टा एक्स का वैल्यू भी क्या आ रहा है लैमडा ही आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा फाई आपका कितना आ गया टू पाई और आप देखिए यहाँ पे आप एंगल ही डालते हैं तो देखिए माइनस टू पाई हो गया ये समझ में आना चाहिए कि माइनस क्यों लिखा है प्लस क्यों नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है मेरा एस टू पी जो है वो पीछे है तो पीछे वाले से माइनस ही करोगे ना दिखाने के लिए यहाँ भाई वो पीछे है या आगे है या तो एक काम करो इसको ओमेगा टी लिख लो इसको ओमेगा टी प्लस टू पाई लिख लो एक ही बात है है ना तो अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो वाई टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा टू पाई माइनस ओमेगा टी आप देख सकते हैं ये फोर्थ क्वार्टरेंट में आ रहा है और फोर्थ फोर्थ क्वार्टरेंट में जो आपका साइन रहता है वो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा राइट right? तो आपका साइन क्या रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला है तो नेगेटिव नेगेटिव आपका यहाँ पे क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आपकी ए साइन ओमेगा टी ही रहेगी एक ये नेगेटिव है देख सकते हैं और फोर्थ क्वारंट की वजह से साइन टू पाई माइनस ओमेगा टी भी माइनस हो जाएगा तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना तो वाई वन और वाई टू आ गया आपका तो वाई नेट अगर मैं निकालता हूँ तो देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है तो बोलिए क्या आ जाएगा टू ए साइन ओमेगा टी मतलब कुछ वैल्यू आपको मिल रही है इसका मतलब ये हुआ अगर आप थोड़ा नाइन्थ में वापस जाएँ तो आपने एक देखा होगा अगर मान लो मैं एक ऐसी वेव बनाओ और एक ऐसी वेव बनाओ इसका भी एम्पलीट्यूड ए है इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और दोनों अगर ऐसे जाएँ तो जो नेट वेव मिलेगी वो देखो टू ए की मिलेगी आपको मतलब जुड़ जाएंगे तो देखो आपको यहाँ पे कुछ वही नजर आ रहा है ठीक है तो इसको हम समराइज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपका जो डेल्टा एक्स है बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेल्टा एक्स जो है आपका अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैमडा है एन लैमडा ठीक है तो आप बोलेंगे कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है यहाँ पर मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ये क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब आपको यहाँ पे चमकदार मिलेगा चमक मिलेगी लाइट मिलेगी आपको यहाँ पे ठीक है यही चीज अगर कुछ वैल्यू जीरो हो जाए मान लो कुछ ऐसा हो जाए अब यही चीज मैं अगर ऐसा ले लूँ सिंपल सा ये ऐसा और एक वे वैसी ले लूँ और ये ऐसे जा रही है ये भी ए और ये भी ए तो आप जब जाओगे बीच में देखो आपको कुछ नहीं मिलेगा पूरे एम्प्लीट्यूड एक दूसरे को खत्म कर देंगे रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके लिए भी मैं आपके लिए केस लेता हूँ ठीक है एक और सिंपल केस लेते हैं मान लेते हैं अगेन सेम केस ये एस वन एस टू ठीक है यहाँ पे आप ले लीजिए पी पॉइंट आप देख सकते हैं एस वन से पी गया और आप देख सकते हैं एस टू से पी गया अब मान लो अब वैल्यूज वैसे ही आर्बिट्री ले रहा हूँ इस बार मैंने क्या लिया जो एस वन पी लिया हुआ है ठीक है वो आप ले लो कुछ एट लैमडा और एस टू पी 9.5 लैम्डा अब देखो यहाँ पे मैंने इंटीजर माइनस ना करके 0.5 वाला सिस्टम लिया हुआ है ठीक है तो डेल्टा एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा 1.5 पॉइंट है ना कितना आ जाएगा 1.5 पॉइंट लैमडा मतलब थ्री लैमडा बाई टू अब आप देख सकते हैं अब ध्यान समझना डेल्टा एक्स पता चल गया है? तो डेल्टा एक्स बाय लेमडा इजिक्वल्स टू डेल्टा फाइव बाई टू पाई लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स कितना है वन पॉइंट फाइव बाई लैमडा इजिकल्स टू डेल्टा फाइव बाई टू पाई लैमडा से लेमडा गया थ्री बाई टू इज इक्ल्स टू डेल्टा फाइव बाई टू पाई टू से टू गया तो डेल्टा फाइव का वैल्यू आप यहाँ से देखिए थ्री आ गया ठीक है थ्री पाई है ना तो यहाँ से डेल्टा फाइव आपका कितना आ गया थ्री पाई वाई वन क्या लिखा था तो हमने ए साइन ओमेगा टी वैसे का वैसे ही लिख देते हैं अगेन वाई टू पीछे है तो ए साइन ओमेगा टी कितना पीछे थ्री पाई से पीछे अगेन चाहे तो वाई टू में माइनस कॉमन ले लीजिए पता करने के लिए कि थ्री पाई माइनस ओमेगा टी अब थ्री पाई कहाँ होता है तो वापस से आप आ जाइए ज़ीरो पाई टू पाई थ्री पाई तो मतलब देखिए तो सेकेंड क्वार्टरट में और सेकेंड क्वार्टर में आपको पता है कि साइन पॉजिटिव रहता है तो वाई टू का वैल्यू माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा तो ये माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा अब आप देख सकते हैं अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा तो वाई नेट अगर मैं लिखता हूँ वाई वन प्लस वाई टू तो आप देख सकते हैं जीरो आ जाएगा मतलब कुछ वैल्यू ही नहीं मिली मेरे को यहाँ पे वैल्यू नहीं मिली मतलब ये क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है अब इससे मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मेरा डेल्टा एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू रहता है ये बहुत ध्यान से समझना ठीक है ऑड मल्टीपल ही थे आप देखिए यहाँ पे क्या था थ्री बाई टू लिख लो उसको

एन लैमडा है ठीक है और ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू है ऐसा तो आप चाहें तो देखिए टू मल्टीपल टू डिड कर दीजिए तो इसको आप क्या बोलेंगे मल्टीपल मल्टीपल ऑफ ऑफ और इसको आप क्या बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ लैमडा बाई टू ठीक है तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू है तो मुझे बताइए ये कंडीशन किसकी कंस्ट्रक्टिव की ये कंस्ट्रक्टिव की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव की मतलब वहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलने वाली है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब आप वाई पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको कुछ फ्रेंजेस मिलेंगी कुछ लाइट मिलेंगी जो कि कभी डार्कनेस होगा कभी ब्राइटनेस होगा तो ब्राइटनेस जो रहेगी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की और जो डार्कनेस uh, रहेगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन रहने वाली है ठीक है तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमें यहाँ पे देखना है कि कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है ठीक है तो ये हमारा एक एक रिलेशन और हो गया ठीक है तो एक और हमें यहाँ पे जानने की ज़रूरत है जो इंटेंसिटी का रिलेशन होता है ठीक है तो वो भी हमें आपको बता देता हूँ तो क्या होता है तो इंटेंसिटी के टर्म्स में भी हम बात कर लेते थोड़ी सी ये भी ज़रूरी है ठीक है मान लीजिए आपका वाई जो है वो है ए साइन ओमेगा टी वाई टू है आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव फाई आपको पता है आपका फेज डिफरेंस राइट आप इसको अगर सुपर इम्पोज कराओगे तो वाई वन प्लस वाई टू लिखना पड़ेगा ठीक है तो वाई इज इक्वल्स टू वाई वन प्लस वाई टू अगर आप लिखेंगे तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा सेम एम्पलीट्यूड है तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है अब इस वाले टर्म को आप ए मान लो इस वाले टर्म को आप बी मान लो तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा जो कि होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू तो डायरेक्टली हम लिख लेते हैं यहाँ पे तो टू ए साइन ए प्लस बी बाई टू अगर मैं लिखता हूँ तो वो हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू कॉस ऑफ फाइव बाई टू ठीक है तो ये हमारा एक फाइनल रिलेशन आ जाता है जिसमें अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो ये पहले लिख लेता हूँ और ये थोड़ा बाद में लिख लेते हैं हम ठीक है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड फैक्टर इसको हम क्या बोलेंगे एम्पलीट्यूड फैक्टर और इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटिंग फैक्टर ये नाम है मतलब एम्पलीट्यूड आपका इससे मिलेगा आपको और बाकी जो है वो बता रहा है कि वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है मतलब साइनोस कर रहा है कि कैसे कर रहा है ना तो अगेन इंटेंसिटी जो है आपको पता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे अगर मैं इंटेंसिटी लिखता हूँ तो आप इसको अगर स्क्वायर करके लिखते हैं तो टू ए कॉस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा आई इज इक्व टू फोर ए स्क्वायर को आप आई नॉट लिख लीजिए कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू ये आपकी इंटेंसिटी का रिलेशन मिल गया ये भी बहुत काम में आएगा देखिए फाई समझने के लिए फाइ आपका आपका क्या है फेज डिफरेंस ये फेज डिफरेंस निकालना जरूरी है तो जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए आपको समझना है तो आप सबसे पहले डेल्टा एक्स के बारे में सोचिए डेल्टा एक्स आपको निकालना है सबसे पहला काम आपका यही है क्योंकि अगर आपको डेल्टा एक्स पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा वहाँ ब्राइटनेस है कि डार्कनेस है ठीक है तो डेल्टा एक्स पर हमेशा फोकस करिए या डेल्टा एक्स अगर आपको नहीं दिख रहा है तो डेल्टा फाइव पर कोशिश कोशिश करिए डेल्टा फाइव निकालने की ना देखिए फाइव या डेल्टा फाइव एक ही बात है ठीक है फेज डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे ठीक है तो एक ये भी हमारा यहाँ पे कंडीशन आ जाती है ठीक है और कभी कभार अगर मान लीजिए आपको ए नेट मतलब अगर आपको एम्पलीट्यूड अलग अलग भी दिए जाएँ ठीक है अगर आपको एम्पलीट्यूड अलग अलग दिए जाते किसी वजह से तो इनका रिज़ल्टेंट का भी फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं ठीक है जैसे या पहले इंटेंसिटी यहाँ पे देख लेते हैं जो रिज़ल्टेंट इंटेंसिटी अगर हमें निकालना पड़े तो अगर हमें इंटेंसिटी आई वन आई टू दी रहे हैं दो अलग अलग तो उसका फार्मूला देखिए ये आपने वेव्स वगैरह में पढ़ा होगा नहीं भी तो उसको याद रखिए अगर दो इंटेंसिटीज दी जाएंगी तो डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो ठीक है अब मैक्सिमम क्या हो सकती है अगर मैक्सिमम आपको करना है मैक्सिमम इंटेंसिटी तो cost थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है वन होती है तो आई मैक्स कितना हो गया तो आई मैक्स आपका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर कैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही नज़र आ रहा है आपको यहाँ जहाँ ए जो है वो रूट आई है ना सिमिलरली अगर आपको मिनिमम करना है तो कॉस फाइव को आप क्या लिख सकते हो माइनस वन के आसपास मतलब फाइव वन एट्टी डिग्री हो जाए क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा बट अगर माइनस वन है तो और कम हो जाएगा ना सबट्रैक्ट हो जाएगा तो आई मिनिमम आपका कितना हो जाएगा रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर अब ध्यान समझिएगा कभी बार आपको आई मैक्स और आई मिन का रिलेशन भी पूछ लेते हैं तो ये रेशो इंपॉर्टेंट है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर ये रिलेशन पूछ लेते हैं कभी कभार अब इस रिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है ये मैं जब आपको वाई डी एस सी पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है बट अभी के लिए आपको ये कुछ रिलेशन याद रखने हैं ठीक है ठीके? कि अगर आपको डेल्टा फाई दिए और दो इंटेंसिटी दिए तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे ठीक है तो दो चार फार्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं ठीक है तो ये हमने आज बेसिक पढ़ा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस हमने पढ़ा ठीक है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वाई डी एस बनाऊंगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट है इसको पहले आप देखिएगा वीडियो फिर हम वाई डी एस सी ही समझ पाएंगे होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू वेरी मच